नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में अलग अलग तरह से लगातार धोखाधड़ी के वारदातें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में एक व्यक्ति ने जब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की तो ऑनलाइन तरीके से उसके खाते से तकरीबन हजारों रुपए निकल गए। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की है और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरा मामला इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का है। परदेशीपुरा पुलिस ने एक पीड़ित युवक की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। फरियादी ने एक अस्पताल में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने के लिए गूगल से नंबर निकालकर फोन लगाया। उसी दौरान आरोपी ने उन्हें निशाना बनाया। वहीं फरियादी संजय जैन की शिकायत पर पुलिस ने अलग अलग नंबरों के आधार पर प्रकरण दर्ज किया है। संजय ने पुलिस को बताया कि उसकी तबीयत खराब थी। उसकी पत्नी ने उनके मोबाइल पर गूगल से सर्च कर एक नर्सिंग होम में डॉक्टर का नंबर निकाला और उससे बात की। उसी दौरान दो अलग अलग नंबर से उन्हें फ़ोन आया और सामने वाले व्यक्ति ने अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए पेमेंट जमा करने के लिए सबसे पहले 5 रुपये भेजने को कहा। जब पीड़ित ने 5 रुपये संबंधित अकाउंट में भेजे तो अचानक से उनका अकाउंट हैक हो गया और उसमें से तकरीबन 95,000 रुपये निकल गए। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले पर प्रकरण दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, ये क्लर्क कॉलोनी के निवासी हैं, एक संजय जैन, ओम प्रकाश जैन हैं। तो उनकी क्या फरवरी के महीने में 14 तारीख के आसपास तबीयत खराब थी। जब उनकी तबीयत खराब थी तो उनकी वाइफ ने परदेशीपुरा स्थित वर्मा नर्सिंग होम को अप्रोच किया ये सोच कर के मेरे पति का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो गूगल से उन्होंने नेट के माध्यम से नंबर निकाला वर्मा नर्सिंग होम का और जो नंबर डिस्प्ले था वो लगाने की चेष्टा की तो नंबर तो लग नहीं पाया। उसके बाद तुरंत थोड़ी देर बाद उनके पास में एक कॉल आया कि आप कोई मेडिकल हेल्प वगैरह की आवश्यकता है क्या। तो उन्होंने कहा हाँ, हेल्प की आवश्यकता है। तो बोले बताइए क्या हुआ, थोड़ा बहुत इनके पति के बारे में जाना। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप 5 रुपये हमको जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए, गूगल कर दीजिए। तो गूगल पे के माध्यम से ट्रांसफ़र करेंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इसके बाद हमारा ऑफिशियल स्टाफ आपको घर पर आकर देख लेगा और रिमेनिंग चार्ज होगा वो आपके घर पर ले लेगा। तो इन्होंने एतवार किया और 5 रुपये ट्रांसफ़र करने की चेष्टा की, लेकिन वो ट्रांसफ़र हो नहीं पाया, वो ट्रांजेक्शन फेल हो गया। इसके तुरंत बाद इनके पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि आप इस लिंक को शेयर कर लीजिए और इस पे रजिस्ट्रेशन कराइए। तो इन्होंने लिंक को शेयर भी किया, फिर अचानक से इनके मन में ये आया जो महिला ऑपरेट कर रही थी मोबाइल कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ। तो उसने फिर उसे कैंसिल भी करने की कोशिश की और उसे ऐसा लगा कि शायद कैंसिल हो गया है। ये 14 तारीख की बात है। इसके बाद 15 तारीख को इनको मोबाइल में मैसेज मिला कि इनके अकाउंट से 80,000 रुपये चले गए हैं। फिर पति ने तुरंत ही प्रयास किया कि अपना जो अकाउंट है अकाउंट से फ़ंड ट्रांसफ़र दूसरे अकाउंट में कर दें। तो पति ने कोशिश भी की फ़ंड ट्रांसफ़र करने की, उधर से जो अज्ञात आरोपी था उसने भी पैसे खींचे तो 10,000 रुपये और फिर 5,000 रुपये। इस प्रकार कुल 95,000 रुपये अज्ञात आरोपी ने इनके स्वीप कर लिए हैं और ऑनलाइन फ्रॉड का ये मामला इनके साथ घटित हुआ जिसमें 95,000 रुपये की क्षति हुई है। तो मैंने इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया और आगे विवेचना की जा रही है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।